हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जीके बाय एमके पर। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके का अगला टॉपिक। स्टैटिक जीके का अगला टॉपिक अपना अगला टॉपिक अभी जनजातियां, ठीक है भाई। स्टैटिक जीके का अपना अगला टॉपिक है जनजातियां। जनजातियों से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, SSC एग्जाम्स में बनते हैं और हरियाणा के एग्जाम्स में बनते हैं। तो ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी जनजाति। ठीक है भाई, सबसे पहले देखो जनजाति होती क्या है। जनजाति क्या होती है? तो जनजाति वह होती है, वह है जो जनजाति वह होती जो आर्थिक व सामाजिक रूप से जो आर्थिक व सामाजिक रूप से जनजाति वह होती जो आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जनजाति समूह, ठीक है भाई, रूप से पिछड़े जन समूह। क्या कहलाती है भाई? जनजाति कहलाती है। यानी कि जनजाति वह होती जो आर्थिक रूप से और उपयोग की समस्याओं से और सामाजिक रूप से और समाज से पीछे हो, जुड़े हुए नहीं हो, एक समूह हो, क्या कहलाएगा? जनजाति कहलाएगा जो जंगलों में रहते हो, ठीक है, अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार कार्य करते हो, ठीक है। जो जनजाति है इसका जिक्र, ठीक है, संविधान संविधान की पांचवी अनुसूची में है भाई। ठीक है भाई, पांचवी सूची में है। अगला भी सबसे ज्यादा जनजाति किस क्षेत्र में है? सर्वाधिक सर्वाधिक जनजाति है भाई मध्य प्रदेश में। अगले है भाई एक नेग्रो, एक समूह है भाई भारत में नेग्रो का समूह। भारत में नेग्रोटा समूह कहां पाया जाता है? व्यू पाया जाता है अंडमान निकोबार में। ठीक है भाई, नेग्रोटा समूह अंडमान निकोबार में पाया जाता है भारत में, ठीक है। अब देखते हैं किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति है, किस राज्य में कौन कौन सी जनजाति है, उनके बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले पॉइंट डाल लो भाई आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति रहती है? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में देखो ही, एक तो रहती है अंध, अंध जनजाति, फिर है चोंचू या चेंचू, चेंचू जनजाति, उसके बाद है भाई कोंड या कोंडा, कोंडा जनजाति, उसके बाद है कोलावरम, कोलावरम, कोलावरम के बाद है भाई डब्बा, डब्बा डब्बा के बाद है दुलिया, कोलावरम डब्बा दुलिया व रोना, रोना। अगली है भाई बंजारा, ठीक है भाई बंजारा, उसके बाद है भाई कोया, बंजारा के बाद है कोया, कोया के बाद अभी दोरा, दोरा, और उसके बाद है भाई वाल्मीकि, वाल्मीकि है भैया, वाल्मीकि नहीं है, वाल्मीकि, ठीक है। ये जनजाति तो है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आप देखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में भी डाफला एक पाई जाती है, डाफला, एबोर, डाफला पाई जाती है, एबोर पाई जाती है, ठीक है।
डाफला अभोर मिशमी, एक अभी मिशमी, डाफला अभोर मिशमी, और अगली है भाई मोफा, मोफा सिंगफू, सिंगफू मोफा सिंगफू, और एक जनजाति अभी जिसका नाम क्या है वांचू, वांचू ये जनजाति पाई जाती है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, नोट करो। फिर देखा है हम असम में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है भाई, असम में तो देखो भाई असम में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, अगला पॉइंट डालो असम, असम राज्य में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, असम में पाई जाती चकमा, असम में एक तो पाई जाती चकमा, एक बोरो, ठीक है भाई, असम की जनजाति चकमा बोरो कार्बी, कार्बी दिकास, कार्बी दिकास, और एक अभी होंग जोंग, होंग जोंग हाँ होजोंग है, होजोंग होजोंग, उसके बाद अभी कचरी, फिर है गारो, अगली है कचरी और गारो, ये जनजातियां पाई जाती है अभी असम राज्य में। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, इसमें कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, इसमें पाई जाती है बकरवाल, बकरवाल, बकरवाल के बाद पाई जाती है वही बेती, बेती फिर है सिप्पी, बेती सिप्पी बकरवाल, बेती सिप्पी चांगपा, चांगपा गद्दी, गद्दी एक गर्रा और गर्रा, ये जनजातियां पाई जाती है वही कहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में। अगला है भाई अपना पॉइंट, अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती है गद्दी, हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है गुज्जर, गद्दीस गुज्जर लंबा, लंबा पंगवाला, ठीक है भाई पंगवाला बौद्ध कन्नौरी, बौद्ध भी एक जनजाति है और फिर है कन्नौरी, कन्नौरी ठीक है भाई। इसके बाद है गोवा, गोवा में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो गोवा देखो भाई गोवा में दोदिया, गोवा में पाई जाती है दोदिया। अगली अभी दोदिया है और डुबिया, दोदिया डुबिया सिद्धि, सिद्धि भाई सिद्धि के बाद पाई जाती है वरली, वरली वरली के बाद गवादा, गवादा ये जनजाति पाई जाती है गोवा में। इसके बाद भाई फिर है बिहार, बिहार में कौन कौन सी पाई जाती है, बिहार, बिहार राज्य में पाई जाती है भाई असुर, असुर बिहार में पाई जाती है असुर, चहरिया
असुर, सहरिया, सबर, सबर पाई जाती है, एक है बेगा, सबर बेगा, फिर है भाई थारू, थारू उसके बाद है संथाल, ठीक है भाई, थारू संथाल खरबार, खरबार ये जनजाति पाई जाती भी बिहार में। बिहार के बाद अगला राज्य भी छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, एक तो पाई जाती है बेना, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है बेना, ठीक है भाई, बेना के बाद खोंड, बेना खोंड मवासी, बेना खोंड मवासी, मवासी के बाद हलबी, हलबी, हलबी के बाद पाई जाती भी नागछिया, ये जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ के बाद अगला राज्य है गुजरात, गुजरात में कौन कौन सी भी जनजाति पाई जाती है, तो देखो गुजरात में बामचा पाई जाती है, तो बामचा, फिर है भील, बामचा, भील, दोदिया, बामचा, भील, दोदिया, गमता, अगली है गमता भाई, ठीक है, दोदिया, गमता, गमता के बाद है सिद्धि, सिद्धि, ठीक है, सिद्धि के बाद तले तलाविया, तलाविया, और तलाविया के बाद अभी अगली जनजाति इसका नाम है डुबिया, डुबिया, ठीक है भाई, ये जनजाति पाई जाती है, अगली जनजाति है डुबिया। फिर भाई कर्नाटक, कर्नाटक में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो देखो भाई कर्नाटक में, कर्नाटक में एक तो पाई जाती है अदिया, अदिया, अदिया के बाद अगली है भाई वर्धा, गोंडा, वर्धा, गोंडा, अदिया, भील, भील, भील के बाद अभी मेडा, भील, मेडा, अगली है भाई सोला, ढोल, ढोल, सॉरी भाई ढोल, और ढोल के बाद है भाई सोली गारू, ढोल के बाद है सोली गारू, सोली गारू, ये यहाँ लिख लो सोली गारू, ये है कर्नाटक की। कर्नाटक के बाद अभी अगला मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, दो चार पाई जाती है, तो कुकी, कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है, नागा, कुकी, नागा, उसके बाद अभी चीरू, चीरू के बाद है भाई थोदू, थोदू और मरम, ठीक है भाई, ये जनजाति पाई जाती है यहाँ पर, नोट पूरी नहीं। एक और ऐड कर लो भाई मध्य प्रदेश रह गया, ये यहाँ पर ऐड कर लो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है,
ठीक है भाई। तो एक तो पाई जाती है फोग, ठीक है भाई। अगली है भील, कोद भील बेगा, कोद भील बेगा हरिया, कोल कोद भील बेगा गरिया मुरियासा, मुरियासा या मुरियास, एक मवासी और एक अभी मुंडा, ठीक है भाई। ये जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। तो आज की क्लास में अपन जितने भी इम्पोर्टेंट से जनजाति थी राज्यों की, वे सारी कंप्लीट कर ली है। अगर भाई अपना हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर भाई आप लोग कोई भी कमी लगती हो कोई भी, ठीक है, कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता दो। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। धन्यवाद भाई, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।